नीतीश बाबू की सोच देखिए, आज 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती और हमारे देश के बहुत ही सफल प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, और नीतीश बाबू ने आज जाहिर क्या किया है, तो भाई उन्होंने जनगणना कराया था और वो समझते थे कि बिहार की सभी जितनी भी बुराई है, बिहार जिस कारण पिछड़ा है, जातीय जनगणना करने के बाद बिहार विकसित प्रदेश बन गया। ये सोच दोनों इनके जो आजकल सहयोगी है उनका था। अब जातीय जनगणना का तो आंकड़ा आ गया, अब नीतीश बाबू बताएं भाई इन्होंने जो कराया 500 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ, इस आंकड़ा देख को बिहार की जनता करेगी क्या? आप कहिएगा कि सब ये आंकड़ा है, ये बड़ा साइंटिफिक डेटा होगा, हम काम करेंगे, तो क्या साइंटिफिक डेटा होगा जी? सबसे पहले तो आरजेडी के अध्यक्ष बताए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या भी आंकड़ा बिहार में सब जानता है कि सबसे बड़ी आबादी किसकी है? अति पिछड़ा समाज की। आरजेडी को तो चाहिए सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष अपना बदल लेना, बाकी तो बाद में होगा। उन्होंने तो कहा था कि भाई इससे एक ऐसा डाटा मिलेगा, इससे जो है हम लोगों को राजनीतिक सामाजिक आर्थिक उत्थान मदद मिलेगी। मैं तो आरजेडी के नेता से अनुरोध करना चाहूंगा सबसे पहले अपना तो प्रदेश अध्यक्ष बदल लें, क्योंकि बिहार का जनगणना हुआ। राजनीतिक समीकरण, ये राजनीतिक समीकरण नहीं, बिहार में एक ही राजनीतिक समीकरण होगा कि बिहार में जो हमारे युवा और युवती जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार को जो ही लोग जो मजदूरों की मंडी बना रखे, उसका जरा बताएं नीतीश बाबू। ये तो देखिए मैंने बताया ना आपको, रोज क्या चलाते रहते, कभी इनका सीट शेयरिंग, कभी पड़े दलों का, ये अब कुछ दिन चलेगा, एक सप्ताह जाते जनगणना, बिहार की जो मूल समस्या है गरीबी की, बेरोजगारी की, उसके बारे में क्यों नहीं आ रहा? वो सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किसी प्रकार से खींच खाच के हम लोग पहुंच जाए चुनाव।